पतंजलि ऋषिकुल, कक्षा 3, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ 13, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, पतंजलि ऋषिकुल के शैक्षिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आपको पता है आज मैं विद्या का जो आलय है वहाँ गई थी। वहाँ बहुत सारे विद्या प्राप्त करने वाले आए थे। ये वाक्य कितना अटपटा लग रहा है ना, और कितना लंबा भी है। तो इसके स्थान पर हम क्या कह सकते हैं कि आज मैं विद्यालय गई थी, वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी आए थे। तो बच्चों, हम अपनी बात को संक्षेप में भी इस तरह कह सकते हैं, और ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो आज हम लोग वाक्यांशों के लिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, आगे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए एवं शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जो खेती करता हो, किसान। जो चिकित्सा या इलाज करे, चिकित्सक। पूजा करने वाला, पुजारी। जो मिठाई बनाता हो, हलवाई। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे हम अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जाने। अनेक शब्द एक शब्द। जल में विचरण करने वाला, जलचर। थल पर विचरण करने वाला, थलचर। जहाँ हम पाठ पढ़ने जाते हैं, पाठशाला। लालच करने वाला, लालची। कृषि या खेती करने वाला, कृषक। जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर। जो पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर। तो बच्चों, हमने क्या क्या सीखा? कुछ शब्दों का अर्थ वाक्यों के समान बड़ा होता है। वाक्यों या उनके अंशों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।